Can you believe it? मैं रोहित से पहली बार मिलने जा रही हूँ. Come on, careful क्या होना है इसमें? दो साल से हम दोनों दूसरे को ऑनलाइन डेट कर रहे हैं. सेकंड लॉकडाउन की लव स्टोरी है हमारी. वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ. Come on, मतलब वो इतना वेला है कि दो साल लगाएगा मुझे पटाएगा मेरे पैसे लूटने के लिए. अरे मॉम डैड सब मिल चुके हैं एंड सबको पता है कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ. दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड. हाँ तो प्लीज ना ये नेगेटिव वाइब्स मत फैला. गुड, आई कांट वेट टू जंप इन हिज आर्म्स. तुमने अपनी फ्लाइट मिस कर दी बीबी. क्या यार? आई नो रोहित, मैं कुछ करती हूँ ना. आई प्रॉमिस मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ. तुम प्लीज घर पर कुछ मत बोलना. अगर पापा को पता चला ना कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है तो बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे. हाँ और उनके लेक्चर अगर स्टार्ट हुए ना तो वो खत्म ही नहीं होंगे. पर मुझे फोन करो कि कैसे आ रही हो. सी यू सून. आई कांट वेट टू सी यू. बाय. भैया एक पानी का बॉटल देंगे क्या? हाँ ठंडा. तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ? और मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? खुद गोवा जाना चाहती हूँ. मैं तुझे देखे ये पूछने आई थी कि तू मेरे साथ टैक्सी शेयर करेगी कि नहीं. बट आई गेस इन टुडेज वर्ल्ड वी कांट इवन ट्रस्ट गर्ल्स. एनीवे हैव अ गुड डे. सुनी कैन वी टेक टैक्सी टुगेदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम. कब से तो यही बोल रही हूँ मैं. चल हाय आई एम रिनी. अंकिता नाइस मीटिंग यू. सो टेल मी ये सोलो ट्रिप अपने आप को डिस्कवर करने के लिए किया जा रहा है? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही. वाओ रोमांटिक. हां टफ ना. लास्ट टाइम कब मिले थे तुम लोग? पहली बार मिले. व्हाट? पहली बार मिले? तू मिली नहीं तो बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं ऑलमोस्ट फियांसे हैं वो मेरे. और घर पर ना सब मिल चुके हैं. हैं? मतलब सब ऑनलाइन मिल चुके. ओह बड़ी डिजिटल फैमिली है यार. कुछ कहा आपने? नहीं नहीं. नाइस वेरी नाइस. हैंडसम है. नाम क्या है? रोहित श्रीवास्तव. श्रीवास्तव? यार मेरी मम्मी तो सरनेम सुन के हाँ बोल देती. और काम क्या करता है? वो शेफ है गोवा में कॉलम में. उनका क्रीम कैफे. वाओ लकी यू. यार इसका कोई भाई भाई है क्या मेरे लिए? अच्छा लिसन ये रोहित श्रीवास्तव अगर तुझे पसंद नहीं आया ना तो मेरी तरफ कर देना प्लीज. अरे चिल यार मजाक कर रही हूँ. दो सालों में कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना तो
हालात इतने खराब है ना, लिटरली कोई भी चल जाएगा। चलना। और यार मुझे ऐसे खुले में सुसु नहीं होगा। तो जाओ उस गंदे से ढाबे के टॉयलेट से यूटीआई लिया। अब मतलब मैंने कभी किया नहीं है। अरे बेब, दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। चल आई विल विसल फॉर यू। ओके 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 ओके, मैं कर लूंगी, विसल की जरूरत नहीं। पक्का? गुड गॉड। भैया चलो। वो मैडम, वो मैडम को रहने दो, तुम चलो ना। ऐसे कैसे छोड़ के जाएंगे? पैसे दे चोमू। मैंने बोला और तूने भगा ली गाड़ी। अरे बेचारी लड़की अकेली खड़ी थी वहां पे। क्या सामान आ गया रे? तेरी तो फटी नहीं। अच्छा ये बता, जब तू से पहली बार मिलेगी ना तो क्या करेगी? जंप करेगी या सूफी वाला हक? और वो क्या करेगा? Forehead पे किस या सीधे लिप्स पर? तू तो मेरी बातों में इतना शर्मा रही है। जब करेगी तो हालत क्या होगी? What, I'm too excited. You know what? Let's exchange numbers. I want all the details. God, ये रोहित है? God, ये तो बहुत ही hot है यार। शोर तू मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं दे सकती? नहीं यार, ये इतना हॉट है ना, मैं तो दो दिन नहीं रुक पाती। तूने दो साल कैसे रोक लिया? बस वही ना, हम लोग लॉकडाउन में मिले थे ऑनलाइन और फिर मिल ही नहीं पाए। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मेरी जॉब लग गई, आई कुडंट गेट ऑफ। फिर उसके बाद ये अपने कैफे में बिजी हो गए। पता है इसी बात पे ना हमारा बहुत झगड़ा होता था। कभी मैं गुस्सा हो जाती थी तो कभी ये गुस्सा हो जाते थे। It was really bad, huh? वो bad था या good? पता नहीं, पर हाँ तुझे अब पता चल जाएगा। मतलब एक कहानी सुनाओ? मैं बिल पे करके आती हूँ। okay. तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तुम्हारी पिक्स भी देखिए। You know what? मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ में बहुत अच्छे दिखेंगे। तो अंकिता को छोड़ो और मुझे पकड़ो। रोहित इधर। नहीं मेरा फोन, पता है कोई ना यहाँ पे बहुत जेलस हो रहा है। इतनी जेलस गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहोगे? मैं बहुत चिल्लू मिस्टर हैंडसम, पिक भेज रही हूँ, अंकिता को छोड़ो। क्या बेबी? नहीं रिनी, बस स्टॉप पे मिली थी मुझे, हम लोगों ने टैक्सी शेयर करी है साथ में। मैं बस गोवा पहुंचने ही वाली हूँ। या शी इज ब्यूटीफुल। यार तुम भी ना। हाँ अभी खाना भेज रही हूँ। अंकिता की जगह मैं भी आ सकती हूँ, पसंद आओ तो बताना।
मैडम गोवा गया आपको यहाँ से लोकल गाड़ी लेना पड़ेगा। कैसे कैसे भैया, आप हमें हमारे डेस्टिनेशन तक तो छोड़िए, मुझे मॉर्जिम जाना है वैसे कोलम। मैडम बाहर के ड्राइवर से गोवा वालों को परेशानी है, मेरा भाड़ा यहाँ से है, आप दूसरी गाड़ी मंगवा दो। चल यार। यार मेरा तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तेरा फोन चल रहा है? एक मिनट। हाँ मैं कैब कैसे बुक करूंगी? Can you please book it for me? I'll pay you. वैसे तेरा ये फर्स्ट टाइम है ना गोवा में? हाँ। So, what is the plan? I can't wait to walk with Rohit, holding his hand, watching sunset at the beach. Pathas tu. Chalo, you enjoy your trip, okay? Bye. Bye. मैडम मैडम आगे मॉर्जिन जी। मॉर्जिन, हमें तो कॉलम जाना था ना। कॉलम? लेकिन वो कॉलम वाली गाड़ी में तो दूसरी वाली मैडम गई थी, और आपको तो मॉर्जी में आना था ना। अरे कॉलम मुझे जाना था, आप मुझे लेकर चलिए वहाँ पे। नहीं, मैं नहीं जाएगा, कॉलम का रास्ता यहाँ से 3 घंटे का है, और मेरी गाड़ी यहाँ की है, मैं वहाँ नहीं जाएगा। आप एक काम करिए, आप मेरे पैसे दे दीजिए और आप कोई दूसरी गाड़ी कर लीजिए। अरे पर भैया बात तो सुनिए भैया, मैं जाऊँगी कैसे? नहीं मैडम, तू मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं दे सकती? भैया मुझे कॉलम ले चलिए ना प्लीज। अरे मैडम मैंने आपको बताया ना कॉलम यहाँ से कितना दूर है, और मैं तो आपको एक सजेस्ट करेगा कि आज की रात आपको यहीं कहीं सहक में बिता लीजिए, 500 से 800 में मिल जाता है, कल सुबह निकल जाना, यहाँ से बस भी जाती है, और मैडम इतनी लेट यहाँ से वहाँ जाना सेफ नहीं है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो रोहित, तुम्हें रीनी को यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। रोहित वो हुआ ये कि हेलो रोहित, the number you are trying to call is currently not reachable, please call again. पहले ही शक हो रहा था, she didn't seems to be right. और रोहित, how can you do this to me? तूने न्यूज़ देखी है रोहित श्रीवास्तव के बारे में? कोल्लम में रहता था, क्रीम कैफे था उसका। आप लोग रोहित श्रीवास्तव के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप जानती हो उसे? उसके घर से 20 लड़कियों के स्केलेटन मिले हैं। वो पहले उन्हें ऑनलाइन डेट करता था, और फिर अपने घर बुलाकर उन्हें मारता था, और फिर उनका मीट बनाकर खुद खाता था और लोगों को भी खिलाता था। पर इस बार उसका पाला किसी स्मार्ट लड़की से पड़ गया, शायद रिनी नाम था उसका, पकड़वा दिया उसे। एक कहानी सुना, एक फार्मर था, उसका एक हॉर्स था जो एक दिन अचानक भाग गया। गांव वाले आए और उन्हें बड़ा अफसोस दिखाया, बोला कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। फार्मर बोला, अच्छा हुआ या बुरा हुआ पता नहीं। अगले दिन फार्मर का हॉर्स वापस आ गया,
अपने साथ एक और हॉर्स ले आया। इस बार गांव वाले उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए। बोला कि इस बार तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। फार्मर फिर बोला, शायद अच्छा या शायद बुरा, पता नहीं। उसके अगले दिन फार्मर का बेटा हॉर्स को ट्रेन करते वक्त हॉर्स से गिर के अपनी टांग तोड़ दी। इस बार गांव वाले आए और बहुत अफसोस दिखाया। बोला कि इस बार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। फार्मर फिर बोला, शायद बुरा शायद अच्छा, पता नहीं। अगले दिन गांव में आर्मी वाले आए। दे नीडेड यंग मैन टू रिक्रूट, लेकिन वो फार्मर के बेटे को लेके नहीं गए क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी कभी जो नहीं होता है वो अच्छे के लिए भी हो सकता है। कभी कुछ ना हो पाए तो समझिएगा, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। और अच्छा तो ये भी होगा अगर आप कंटेंट का कीड़ा का सब्सक्राइब बटन दबा दो, ताकि हम फिल्म साथ साथ देख सके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज प्लीज प्लीज।